हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ऑन चैनल। माय नेम इज मनोरमा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में दो तरह के डिफरेंट प्रोफाइल्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो प्रोफाइल है ना गाइस, जहाँ पर आप लोगों की अर्निंग जो होती है वो पर वर्ड के हिसाब से होती है। आप लोगों को समझ में भी आया होगा इसके थ्रू में कि जो काम मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो एक आपको राइटिंग वाला काम है। अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है, फिर आपका क्वालिफिकेशन और एज लिमिट कोई भी हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपके पास में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी चल जाएगा। एज ए स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टेस्टबुक की तरफ से ये जॉब प्रोफाइल आया है, जहां पर आप लोगों को एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करना है, जिसमें आप लोगों को राइटिंग करनी है। अभी राइटिंग क्या करने का है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो इसके डिटेल्स कि आप लोगों को राइटिंग जो होती है वो आप सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक क्या है गाइस, तो एक एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स को जो है वो ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आपको यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड ही नहीं, टीचिंग से रिलेटेड भी करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर ये काम भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल्स किस तरह के, तो जो सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक आप लोगों को प्रोवाइड करेगा उस सब्जेक्ट पर आप लोगों को एक आर्टिकल लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर आपकी अर्निंग जो होती है वो आप लोगों को पर वर्ड के हिसाब से, मतलब मान के चलो एक आर्टिकल हमारा अगर 800 वर्ड्स का होता है तो आप लोगों को पर वर्ड के हिसाब से 0.20 पैसे यहाँ पर मिल जाता है। तो डेफिनेटली आप अगर पार्ट टाइम ये जॉब करते हो और वीकली यहाँ पर 5 से 6 राइटअप्स प्रोवाइड करते हो, या फुल टाइम में काम करते हो और दिन के यहाँ पर 3 से 4 राइटअप्स दे देते हो, तो आप लोगों का जो इनकम है यहाँ पर आराम से आप लोगों 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एज अ फ्रीलांसिंग के तौर पर कर सकते हो। यहाँ पर जो राइटअप्स होते हैं वो इनके जो मोबाइल के लिए हो गया, या फिर उनके जो वेबसाइट्स होते हैं उनके लिए, या उनके जो एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए होता है, सोशल मीडिया के लिए होता है, इन हर एक सब्जेक्ट के लिए इन लोगों को यहाँ पर राइटिंग की जरूरत पड़ती है और उसी बस पर हमारा ये जो आर्टिकल है यहाँ पर लिखना पड़ता है। अब अगर आप आर्टिकल लिखना नहीं भी जानते हो तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर्स आल्सो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स आल्सो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आल्सो। लेकिन आप ये काम कर सकते हो, घर पर बैठकर कर सकते हो और मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए बहुत प्रोसेस इजी है। इसके नीचे आप लोगों को अप्लाई नाउ का एक बटन मिल जाता है, जिसके नीचे एक फॉर्म होता है जहाँ पर आपकी बेसिक से इन्फॉर्मेशन लिखनी है। मेक श्योर कि रिज्यूमे में अगर आप यहाँ पर आपका राइटिंग का कोई एक्सपीरियंस डालते हो, या आपने कुछ राइटिंग में अभी तक कोई काम किया हुआ हो, या राइटिंग से रिलेटेड आपने कोई भी अभी तक का प्रोजेक्ट किया हो, तो वो जरूर डाल देना ताकि आपका जो रिज्यूमे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाए। एक फ्रीलांसिंग के तौर पर काम है गाइस, कोई टाइम की पाबंदी नहीं रहने वाली, आपके हिसाब से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। जो सेकंड प्रोफाइल यहाँ पर आ गया है ना, वो है टेली काउंसिलिंग पर। अब जो लोग लिखना नहीं जानते वो आप बात तो करना जानते हो, आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में बात करनी है, वो भी फ़ोन के थ्रू में। आप लोगों को इनके स्टूडेंट्स को जो है इनको गाइड करना है, जो टेक्स्ट बुक के सर्विसेज होती है, प्रोडक्ट्स होती है, उसके बारे में उनको उनके सेल्स जो बढ़ाना है आप लोगों को इनको साथ में। और जो कोई भी अगर बंदा यहाँ से आप लोगों के टेलीकॉलिंग के थ्रू में इनको कोई जो लीड्स प्रोवाइड किया, अगर वो कन्वर्ट हो जाती है सेल्स में, तो आप लोगों को यहाँ पर कमीशन के बेसिस पर जो है सैलरी यहाँ पर मिल जाती है। मान के चलो आपने अगर दिन के 2 से 3 लीड्स को भी कन्वर्ट कर लिया ना, तो आप उतना ही अर्निंग यहाँ पर कर पाओगे। तो ये भी एक पार्ट टाइम का जॉब है, यहाँ पर फुल टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना काम करोगे, जितनी अच्छी तरह से काउंसलिंग करोगे, उतना अच्छा यहाँ पर आपका अर्निंग होने वाला है। अब बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मैम कमीशन बेस की अर्निंग है, ये है। भाई अगर आप में अगर वो स्किल है, भले राइटिंग का हो या स्पीकिंग का हो, आप यहाँ पर एक बार सिलेक्ट हो जाते हो, थोड़ा काम कर लेते हो और एक बार एक्सपीरियंस आ जाता है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर चांस। और मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, तो इस तरह के जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जहाँ पर आप लोगों को कमीशन बेस पर मिल जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि एडवांटेजेस में आप अपने हिसाब से काम करते हो, आपको जब करना है तब, मतलब फ्रीलांसिंग के तौर पर हो गया, तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग भी जो होती है वो उसी तरह से होती है। अब ये मत सोचो कि भाई मैं काउंसलिंग करूँगा और सामने वाला बंदा मुझसे मेरा काम होगा ही नहीं, ऐसा मत सोचो ना। पॉजिटिवली लो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में करो, तो डेफिनेटली ये काम भी आप जो ये कर सकते हो। फिर वो राइटिंग से रिलेटेड हो गया या फिर आपका टेली काउंसलिंग से रिलेटेड हो गया, तो एक बार करके तो देखो, क्योंकि टेक्स्ट बुक से रिस्पॉन्स जो है वो 101% आ जाता है। प्लीज़ ये कमेंट मत करना 10 बार अप्लाई कर चुका हूँ फिर भी नहीं आया, इसका मतलब बस यही होता है कि आपके रिज्यूमे में अभी भी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो खालीपन है जो कि वहाँ पर हमें सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो मेक श्योर आपका CV अपडेट करो और फिर से एक बार अप्लाई करो, डेफिनेटली रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, सो यस, दैट्स इट। दोनों भी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए गाइस, एक बार जाकर जरूर अप्लाई कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।